देखिए, आपका शरीर जो है ना हष्ट पुष्ट है, हमारे ये आप बलशाली हैं, आपको आपके माता पिता से सब कुछ मिला है ना, भरपूर है सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। डिसीजन लेने की क्षमता आपकी थोड़ी कमजोर हो गई है कि नहीं, आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशंस में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, कहने मतलब कि सोचते रहते हैं चीज़ों के बारे में, बहुत सारे प्लान बनाते हैं और किसी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आपके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई शंका चल रही होती है, आप हमेशा कहीं ना कहीं किसी अनजाने से भय में रहते हैं। तो ये सब प्रभाव जो है ना, बेसिकली राहु और चंद्रमा की युति अगर आपकी कुंडली में हो जाए, देखिए ये चीज़ें बाकी और किसी वजह से भी हो सकती है, जैसे लग्न में राहु हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव है, तो सेम चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन जब राहु और चंद्रमा की बात आती है, तो मेरे हिसाब से कुंडली में बनने वाले जितने भी खराब योग हों, उसमें राहु और चंद्रमा है। क्योंकि देखिए, जब चंद्रमा की बात आती है तो आप उससे अपने माता को देखते हैं, आप अपने इमोशंस को देखते हैं, कहीं ना कहीं शरीर में आपकी जो लिक्विड है, ब्लड ब्लड से रिलेटेड बीमारियों को भी आप देखते हैं, बहुत सारे माता से रिलेटेड जहाँ तक बात हो सकता है कि आपको माता के प्रति काफ़ी ऑब्सेशन हो, या हो सकता है कि डिस्टेंस हो, या तो कहीं ना कहीं आपके मतभेद हो, ये सारे कुछ रिजल्ट देखने को मिलते हैं। माता के हेल्थ में प्रॉब्लम रह सकती है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो बेसिकली जो राहु का चंद्रमा का जो प्रभाव है, वो मन का कारक है, आपका मन है, और राहु चंद्रमा का मतलब है कि ग्रहण। अब ग्रहण कहाँ, तो सीधे सीधे आपके मन पे। तो मन पे जब ग्रहण लगेगा, तो चाहे कितना भी आप सक्षम क्यों ना हो, धीरे धीरे आप चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे पीछे जाने लगेंगी, आप खोना शुरू कर देंगे, बहुत कुछ होने के बाद भी चीज़ें बिखरने लग जाएंगी, क्योंकि आप मानसिक रूप से उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। बाकी चीज़ें जीवन में खराब जब होंगी, तो उसका और प्रभाव फिर आपके मन पे पड़ेगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपके गलत डिसीजन की वजह से आपकी जॉब चली गई, या फिर कुछ आपके बॉस से मतभेद हो गए, या फिर आपके घर में आपकी माता की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे कोई मतभेद चल रहा है, कोई भी ऐसा रीजन जब कुछ होता है जिससे आप परेशान होते हैं, तो सबसे पहले उसका असर मन पे ही होता है। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी चंद्रमा और राहु की वजह से मन से ही स्टार्ट ही होता है, मन से ही ग्रहण होता है, सब कुछ होने के बाद भी आप अनजाने भय में रहते हैं, तो फिर बाकी चीज़ों का नुकसान शुरू होने होता है, फिर मल्टीप्लाई शुरू होकर कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से मानसिक रूप से परेशानी आपके जीवन में ज़्यादा क्रिएट होती है। देखिए, आप बचपन में देखते होंगे कि कोई बच्चा है जो हर बात के लिए जिद करता है कि नहीं, वो जिद ऐसा पकड़ के बैठता है, चिड़चिड़ा रहता है, सुनता नहीं है, आपको उल्टा जवाब देता है, आप उस बच्चे को क्या करते हैं, कभी दो थप्पड़ लगा दी, चल बेटा शांत हो जा, है ना, उसको आप शांत करने की कोशिश करते हो। जब तक वो छोटा होता है, आपके कंट्रोल में है, तब तक तो आपकी बात सुनेगा, शांत भी रहेगा, लेकिन जैसे धीरे वो बड़ा होगा, तब उसके बागी तेवर आएंगे, तो आपकी बात नहीं सुनेगा, परेशान, आप भी मानसिक रूप से परेशान रहेंगे कि आपका लड़का आपकी बात नहीं सुनता, पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, क्यों, क्योंकि देखिए राहु जो एनर्जी है ना, उसको आप दबा नहीं सकते, आप उसको कभी खत्म नहीं कर सकते, उसको शांत नहीं कर सकते। राहु की एनर्जी को जरूरत होती है फोकस्ड इंटेंशन की, कहीं ना कहीं उसको डायरेक्शन देने की। एनर्जी को हमेशा ही आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एनर्जी को आप यूज कर सकते हैं, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, तो फिजिक्स का नियम है। तो सिंपल सी बात है, जो राहु जो एक एनर्जी है, उसकी आज खास करके कलयुग की बात कर लीजिए, उसमें आपको राहु की जरूरत भी है। अब आप मोबाइल देख लीजिए, इंटरनेट देख लीजिए, इसके बिना कोई कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, इसकी अधिकता है लोग जीवन में, आप तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, तो टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, उसके बीच में अगर आप चाहेंगे कि राहु आपके जीवन से चला जाए, तो कैसे संभव है, आपको तो राहु के साथ ही काम करना है, उसको आपको यूज कैसे करना है, आप या तो स्क्रॉल कीजिए इंस्टाग्राम, चार चार घंटे 5 घंटे देखिए, या तो आप कुछ क्रिएट कीजिए, दोनों में फर्क है ना, दोनों राहु की एनर्जी है, लेकिन एक जगह आप क्रिएटिविटी करके कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी कुछ इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ आप अपने जो आपके स्किल्स के उसको लेकर आप वीडियो बना सकते हैं, या तो अपना समय आप व्यतीत कीजिए देखने में, हंसने में, शेयर करते रहिए एक दूसरे को, उससे आपको क्या फायदा होगा, टाइम किल होगा। तो एक जगह, दोनों जगह ही राहु है, एक जगह राहु से आपको नुकसान हो रहा है, एक जगह राहु से लोग रातों रात करोड़पति बन रहे हैं, रातों रात वो फेमस भी हो रहे हैं, अचानक से, चूंकि राहु अचानक से रिजल्ट देता है, जिसको कोई नहीं जानता वो कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहा है, ये सब राहु का ही तो खेल है। तो आप बचपन पे हम अगर आते हैं, तो अगर आप उस बच्चे को हमेशा डांटते रहेंगे, उसको शांत करते रहेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आप एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाएंगे, वो आपको राहु के रेमेडीज बताएगा, आप वो करेंगे, तो सारा फोकस आपका कहाँ है, राहु को शांत करने पे। मेरे हिसाब से राहु को शांत करने की जगह आप राहु की एनर्जी को यूज कीजिए, देखिए बच्चा, उससे बात कीजिए कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मैं बच्चे पे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अगर बच्चे पे अगर आपने नहीं किया, अगर जड़ पे आपने काम नहीं किया, तो जैसे जो पौधा बड़ा होगा वो भी वैसा ही रहने वाला है। तो अगर आप उसकी एनर्जी को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो करना चाहता है, उस रिलेटेड उसका आप सपोर्ट कीजिए, उसके बात को सुनिए, उससे बात कीजिए, समझिए और उसको सपोर्ट कीजिए, तो आप देखेंगे उसकी एनर्जी यूज होने लग जाएगी। उसको कहीं ना कहीं अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ने के लिए बोलिए, ताकि उसका ध्यान एक जगह अटके, वो उनको पढ़ेगा, अगर उनको आइडियल बनाता है, अपना एक तरीके से आइडियल बनाता है, तो उनको ही फॉलो करेगा,
उनको जब फॉलो करेगा तो ऐसा ही कुछ बनने की कोशिश करेगा। हो सकता है आप उसको किसी बहुत ही सफल पायलट के बारे में बताएं, उनके बारे में कोशिश जानने की कोशिश करेगा तो मोटिवेट होकर पायलट बनने के ख्वाब देखेगा, फिर आप उसकी एजुकेशन भी उस तरीके से करवा सकते हैं। साइंटिस्ट के बारे में बात कीजिए, देखिए चंद्रयान 3 भी जा रहा है, इंडिया से जा चुका है ऑलरेडी, साइंस कहाँ से कहाँ तरक्की होगी, तो उस चीज़ को लेकर उसको मोटिवेट कीजिए, वो बुक्स उसको ला के दीजिए। अगर यूट्यूब पर ज़्यादा समय व्यतीत करता है वो टेक्नोलॉजी पर, तो ये सब चीज़ देखने को बोलिए, तो क्या होगा, आप एनर्जी को उसको साम नहीं कर रहे, वो कर वही रहा है जो वो करना चाहता है, लेकिन क्या करना चाहता है ये कहीं ना कहीं आप उसके साथ बैठ के उसको काम कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी शांत नहीं होगी राहु की, उस एनर्जी को यूज किया जाएगा, फिर जो है वो आगे जाके भी आपको वही रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो है फोकस्ड एनर्जी, एनर्जी का यूटिलाइजेशन है, क्योंकि राहु एक एनर्जी है, चंद्रमा और सूर्य दोनों पे ग्रहण लगाने की क्षमता राहु पे ही है, तो हम चंद्रमा की चूंकि बात कर रहे हैं तो मन की बात आज हम कर रहे हैं, तो राहु को आप कभी भी शांत नहीं कर सकते, उसकी एनर्जी को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि राहु के बिना कलयुग में आपका गुजारा है ही नहीं। अब आप बात करते हैं रेमेडीज की, तो रेमेडीज किसकी करनी है, अगर चंद्रमा राहु की युति है तो आपको रेमेडीज करनी है चंद्रमा की, क्योंकि आपका मन जो है राहु को खत्म नहीं करना है, राहु को यूज करना है, पर मन आपके काबू में होना चाहिए, मन आपका शांत होना चाहिए, मन आपका सिचुएशन को टैकल करने की क्षमता को, उस मन को वो चीज विकसित करनी चाहिए, तो आप चंद्रमा का रेमेडीज करेंगे, तो चंद्रमा के रेमेडीज वेरी सिंपल है, देखिए दान वगैरह तो है ही, जैसे जो पुराने काल से चली आ रही परंपरा है दान, जैसे आप चीनी का, दूध का, चावल का दान करते हैं, लेकिन आप व्यवहारिक रेमेडीज कीजिए, यानी कि मन का कारक है तो मेडिटेशंस, उसको कहीं ना कहीं 5-10 मिनट के किसी मेडिटेशन में डालिए, तो चंद्रमा का मेडिटेशन वो करेगा, भोले बाबा का आप पूजा करेंगे, है कि नहीं, मंत्र से भी कहीं ना कहीं आपके मन को शांति मिलती है, क्या मंत्र क्या वाइब्रेशन है, उसकी एक एनर्जी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उस मंत्र का जाप करके उसको सिद्ध किया गया है, तो उसके हर एक वर्ड में जो भी उसका उच्चारण है वो एक वाइब्रेशन लेके आता है ना, तो मंत्र इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मंत्र कोई भी चंद्रमा का मंत्र लेके रेगुलर आप उसको करने की कोशिश कीजिए, है कि नहीं, मेडिटेशन जैसा मैंने बताया, कहीं भी जहाँ पे वाटर की अधिकता है, जल की अधिकता है, वहाँ बैठ के 10 मिनट आँख बंद करके बैठिए, वाटर को निहारिए पानी को, क्योंकि क्या है चंद्रमा जल का भी कारक है ना, तो कहीं ना कहीं आपको मन को तृप्ति मिलेगी, जब मन अशांत रहता है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस होती है, तो जब आप जल के स्रोत को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक जल भी स्रोत ऐसा जो अथाह है, कहने का मतलब है कि जिसका अंत नहीं है, तो वहां जाकर बैठ के अगर आप समय व्यतीत करेंगे तो कहीं ना कहीं मन जो है आपका जो अशांत है वो कहीं ना कहीं शांति की ओर बढ़ने लग जाएगा। अब राहु, राहु की बात आ गई तो कुंडली में एक चीज और आप देख सकते हैं कि मंगल की स्थिति क्या है, कि मंगल आपका स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, है कि नहीं, और खास करके मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ रही तो भी राहु थोड़ा शांत रहते हैं, बट मैंने अगेन ये कहा कि हमें राहु को शांत नहीं करना, राहु की एनर्जी को यूज करना है कि नहीं, बाकी अगर फिर भी आप राहु को कुछ करना ही चाहते हैं तो राहु का कवच पढ़िए, क्योंकि राहु अगर राहु से आपको नुकसान है तो आप राहु के ही कवच को पढ़ रहे हैं, तो उनसे कह रहे कि मेरी रक्षा कीजिए, जब आप उनसे कह रहे कि मेरी रक्षा कीजिए और कवच है राहु का तो वो आपका नुकसान कभी नहीं करेंगे, हाँ मंत्र पढ़ने से भी कहीं ना कहीं वो खुश होंगे, लेकिन कवच से तो आप डायरेक्ट उनको ही आपकी रक्षा करने के लिए कह रहे हैं, तो उनको अपने जीवन से निकाल नहीं रहे, अपने जीवन से उनको शांत करने की कोशिश नहीं कर रहे, उनको अपने जीवन में योगदान देने के लिए कह रहे हैं, तो राहु के बिना जीवन संभव है ही नहीं कलयुग में, है ना, राहु को ऐसी एनर्जी मानी जाती है कि जो एक तरीके से आप कह लिए प्रपंच है ना, तो प्रपंच कम नुकसानदेह है, प्रपंच तब नुकसानदेह है जब आप किसी अच्छे व्यक्ति के खिलाफ उस चीज को यूज करके उसका नुकसान कर रहे हैं, तो ये राहु की गलत एनर्जी है, लेकिन अगर अपने आपको आप बचा रहे हैं किसी ऐसे प्रपंचकारी से, आप उसी के भाषा में उसको जवाब देके, तो राहु खराब नहीं है, वरना आप 10 लोगों के बीच में फंस जाएंगे, आप सीधे रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपका, ये कलयुग है, कलयुग में आपको उनको उन्हीं भाषा में जवाब देना पड़ेगा, और आप जल्दी आप जवाब नहीं भी देते हैं, एटलीस्ट बचने के लिए तो आपको वही एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, जैसे विष को तो विष ही काटता है, अगर आपको कोई सांप काट ले तो जो भी मेडिसिन बने हो कहीं ना कहीं विष से रिलेटेड ही बने हुए हैं, है कि नहीं, तो ये आपको समझना है कि आपको राहु को अपने फेवर में कैसे करना है, राहु को यूज कैसे करना है, ये राहु की एनर्जी की आपको जरूरत है, और उसका अगर आप यूज करते हैं किसी का नुकसान नहीं करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, तो राहु को आपकी कुंडली में देखिए कैसे हैं, कौन से ग्रह के साथ बैठे, बट हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो आप अपने मन को ताकतवर बनाइए और राहु को कहीं ना कहीं अपने जीवन में यूज कीजिए, उसकी एनर्जी को, डेफिनेटली आपको राहु का फायदा होगा, और अचानक से जो रिजल्ट आएंगे राहु के वो अच्छे आएंगे, ना ही कि ऐसे जहां आप डिसअपॉइंट हो जाएं, फिर भी राहु एक मैलेफिक एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा भी देगा तो कहीं ना कहीं कुछ नतिकटन तो रहेगी, उससे आप बच नहीं सकते, है कि नहीं, तो उसके लिए आपको अपने मन को हमेशा ही ताकतवर बनाना है, क्योंकि मन अगर आपका स्ट्रांग होगा, मन के पास स्ट्रेंथ होगा, तो आप प्रॉब्लम को झेल पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम को तो जीवन से आप निकाल ही नहीं सकते। चलिए, अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम राम राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहवे नमः, ओम चम चंद्राय नमः, और भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।